भी हर चीज को अपन को पॉजिटिवली लेना है। देखो मैं तो सही मान रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम आप लोगों को चाहे 2 महीने दे दिए जाए, बता दिया जाए कि 2 महीने बाद एग्जाम है, तो भी अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने इंजीनियर्स की आदत यही होती है कि जब तक प्रेशर नहीं आता है तब तक हम एकदम मन लगा के पूरा अच्छे से बिल्कुल जोर लगा के नहीं पढ़ते हैं। तो इतना टाइम सफिशियंट है 15 दिन पढ़ने के लिए, तो उन 15 दिन आप फोकस स्टडी करेंगे। उस फोकस स्टडी का फायदा ये हो जाएगा कि उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप पढ़ेंगे और SSC देने जाएंगे ना, तो SSC के लिए आपके पास फिर से 20-25 दिन होंगे, तो फिर से एक बार आप जिन चीजों को आपको लगेगा ऐसा होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका RRB जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, फिर कुछ का जाएगा बहुत अच्छा, कुछ का जाएगा सो कि हाँ बस ठीक हुआ, और कुछ बोलेंगे कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरा। तो जिनका जाएगा अच्छा उनके लिए प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उनका कॉन्फिडेंस या तो हो जाए हाई कि वो SSC के अंदर और बेटर परफॉर्म करें, या ये हो जाए उनका कॉन्फिडेंस हो जाए बहुत ही ज्यादा हाई, आप ये कह लो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपना तो RRB पक्का है, तो वो SSC ढंग से ना पढ़े। फिर क्या होगा, जो मॉडरेट वाले होंगे वो थोड़ा सा सोचेंगे कि यार अपना सो कंडीशन है, श्योर नहीं मैं RRB में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो SSC के लिए और अच्छे से पढ़ेगा। और जिनको लगेगा कि हाँ बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है अपनी RRB के अंदर, उनके लिए भी 2 रास्ते निकलेंगे। पहला रास्ता क्या कि हाँ अब तो मुझे मेहनत करनी ही करनी है कि SSC में बहुत अच्छे से करूंगा। दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा कि वो सोचेंगे कि हमारे तो बस का कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको चूज करना है कि आपको इन तीनों में से, आपको डेफिनेटली हमें सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो RRB जो भी आपका आएगा, देखो दोस्त ऐसा होता है, ठीक है मैं ओवर पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं आपको क्लियर बातें बता रहा हूँ जिन चीजों के कारण बाद में डिप्रेशन ना आए हमारे अंदर। जिस बच्चे का अगर हो जाए तो वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस ना लेके आए कि मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं तो एकदम फोड़ दिया RRB, तो SSC पे ध्यान नहीं देना है। उसको प्रॉपर फोकस स्टडी रखनी है अगले 1 महीने भी, अपने आप को बना के रखना है। जिसका एवरेज जाए उसके लिए तो जरूरी है दोस्त, कि जहां भी आपको डाउट लगे आप मेहनत मत रोको, लगे रहो। फिर उसके बाद जिसका पेपर खराब भी जाए ना, तो खराब जाता है ना जो पेपर, दोस्त आप पूरे साल भर मेहनत करते हो, ठीक है उस साल भर की आप चाहे ड्रॉबैक कह लो एग्जाम्स का या कुछ भी कह लो आप उसको, कि वो जो 2 घंटे होते हैं ना वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। उन 2 घंटों में जो सिचुएशन होगी, उन 2 घंटों में जो आपकी हेल्थ होगी वो भी डिसाइड करेगी, उन 2 घंटों में जो एनवायरमेंट होगा सुबह से लेकर एग्जाम टाइम तक आपका दिन कैसा निकला है वो फैक्टर्स भी आ जाते हैं। टाइम के जो 2 घंटे होते हैं, कोई वहां पे कोई कंप्यूटर के अंदर कोई इक्विपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर किसी भी एक्सरसाइज रिजल्ट रीजन से भगवान ना करे अगर थोड़ा एग्जाम किसी का खराब होता है, तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। क्यों? उसका मतलब ये नहीं हमने मेहनत नहीं की है, हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं तो जिनके कारण हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस सही ना जाए। तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना कि क्या कमियां रही मेरी और उसके बाद मैं उनको इंप्रूव कैसे करूंगा नेक्स्ट एग्जाम में, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में मेरा बिल्कुल अच्छा जाए। तो ये बस यही है कि आप चाहे तीनों स्टेज में से किसी भी स्टेज में लाए करें, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रख के चलना है, निराश नहीं होना है। एग्जाम में फेल होना का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किया नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, या फिर आप किसी चीज के लायक नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आप चले तो सही उसकी तरफ, बस थोड़ा बहुत गैप रह गया, वो गैप आपको ढूंढना होता है अल्टीमेटली, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ एनालिसिस। तो वो गैप अगर आप ढूंढ के उसको इंप्रूव कर लेंगे, तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आने वाले समय में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। चोट जरूरी होती है, एक आध एग्जाम में अगर आपने फेल कर दिया और एक डिस्टेंस से फेल किया ना, बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस से, तो आपको वो चीज जरूर हिट करेगी और आप सोचेंगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब सीरीज में एग्जाम होते हैं, आप देख लेना बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे निकल के आएंगे कि RRB के अंदर जो अगर मान लो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका SSC के अंदर बहुत सही रिस्पॉन्स जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर्ट करेगी उसको वो चीज। अभी जैसे CBT 1 बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है उनको पढ़ने के बाद भी 60-65 नंबर आने के बाद भी CBT 1 नहीं हुआ है, लेकिन उन बच्चों का SSC में बहुत सही रिस्पॉन्स आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज उनको हर्ट की है, वो चीज उनको हिट की है कि यार अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन, एक मौका और बचा है मेरे पास, मुझे इसको नहीं गवाना है। पहले मैंने थोड़ी कम पढ़ाई की थी, ये एरिया मेरे रह गए जो वीक थे SSC, चाहे आप ये ले लो कि वो ये बोले कि हाँ पहला पार्ट पूरा नॉन टेक था, मेरा नॉन टेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग था, अगर मैं RRB 1 क्लियर करता तो 2 मैं डेफिनेटली क्लियर करता। तो वो सारे बच्चे जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अल्टीमेटली द थिंग दैट डिपेंड्स वो क्या है कि आप क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल को लेके। चलिए ठीक है, जब भी आप एग्जाम में फेल होना तो लो मत फील किया करो। ये भी तो देखो यार कि आज जो बंदा जेई बनने के लिए जितनी मेहनत कर रहा है ना, आज एक इंसान जितना जेई बनने के लिए मेहनत कर रहा है, आज से 10-15 साल पहले उतना US बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती होगी। तो विद टाइम हमारी एफिशिएंसी भी तो बढ़ रही है। आप मैं बता रहा हूं, फिर से नेगेटिव एग्जांपल नहीं है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है, बहुत ऐसे एग्जांपल देखे गए हैं कि उसने भाई 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, सिलेक्शंस नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई गैप्स रह गए, तो वो जो उसकी कम से कम अगर ये मान लो, मैं तो ये कहूंगा आपको सिलेक्शन होना ना होना तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं यू वर्क हार्ड, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। और कुछ भी अगर नहीं होगा ना, अगर आपने कोई रिस्क लिया है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये रिस्क लिया है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है कि इस एग्जाम के बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पे आती है कि इनसिक्योरिटी, यहाँ पे आता है एक डर आएगा कि यार मैंने जॉब तो छोड़ दी, अब क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन अगर हुआ तो कितने टाइम बाद मेरी जॉब मिलेगी मुझे, जब से मेरी फिर इनकम का सोर्स आएगा, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, ये डर आ जाता है। तो बस इसको भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी आप इनसिक्योर फील हो वो है वर्क हार्ड।
उसके बाद आपको ये लगने लग जाएगा, जब आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको बस ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग आएगी, सिलेक्शन हो ना हो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उस 100% का मुझे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, हो सकता है तो इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरा जो एटीट्यूड है हार्ड वर्क करने का, ये मेरा हमेशा मेंटेन हो जाएगा। मैं चाहे कुछ भी काम कर लूंगा लेकिन उसमें मैं अपना बेस्ट कभी ना कभी तो मेरा जरूर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि मैं रुक नहीं रहा, मैं बैठा नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं। तो जो भी हार्ड वर्क करेगा वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा, कभी इनसिक्योरिटीज नहीं आएगी, चाहे उसने कितना ही बड़ा सेक्रीफाइस क्यों ना कर रखा हो। नेक्स्ट, वो ये बात तो देखो ट्रूथ है तो हम इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो टैलेंट है ना, हम लोगों का जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है कॉम्पिटिशन में। हम जबरदस्ती कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा 2-2 साल लगे हुए हैं, हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, सेम चीज को बार बार पढ़ रहे हैं। प्लीज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन ये बात सच है ये बात कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो हार्डवर्क है, 2-2 साल तक हमने अपनी जवानी के सिर्फ कम्पीट करने में लगा दिया हमने। इसके बजाय अगर इन 2 सालों में हमें कोई ऐसा काम मिला होता, कोई रिसर्च वर्क होता जिसके अंदर हम कुछ नया सीख पाते, हम कुछ नया डेवलप कर पाते, हम कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर आ पाते, तो ज्यादा बेटर नहीं होता। जो चीजें आज आप पढ़ रहे हैं ना, आप ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम देके क्लियर हो जाएंगे, जेई बन जाएंगे, आपको लगेगा यार ये इतनी पढ़ाई यूज कहां आ रही है, कर क्या रहा हूं मैं। मेरा खुद का कजिन है, ठीक है, मैकेनिकल से, उसने आरआरबी जेई क्लियर किया था लास्ट वाला, वो जेई बना था जब उस टाइम, तो विद इन 10 डेज उसके सुपरवाइजर ने उससे क्या बोला, यहाँ क्या कर रहे हो, कोई अच्छी जॉब ढूंढ लो, अच्छी तैयारी कर लो। मतलब आप तो ये सोच के गए हो कि यार मैंने कंपटीशन फाइट किया, अब मैं कुछ अच्छी पोस्ट पे चला गया हूँ, सब कुछ बेटर है, नो डाउट सैलरी वैल्यू सब कुछ आएगी, लेकिन भैया वहाँ भी एक सेंस ऑफ ये वाला आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, कि नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ जाके आपको खुश रहना है, कहाँ पे आपको सेटल होना है। दूसरी चीज कि हर चीज को पॉजिटिव लेके चले आप तो ज्यादा बेटर है। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं हो सकता है इतना ज्यादा यूज ही ना है, वो खुद बता रहा था कि वहां पे जो काम होता है मेंटेनेंस का काम है, जस्ट आपको सुपरविजन देना है, जो भी काम है सब हो रहा है, आपको जाके देखना है कि हाँ भाई ट्रेन के अंदर ये कंप्लेंट आई थी, ये पार्ट चेंज होने, उसने देख ली, चेंज हो गया, साइन मार दिया, काम खत्म। तो हो सकता है ये काम आपका इतना यूटिलाइज ना हो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं।